फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल विशाखा व्यास शर्मा। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ एक शीट मास्क का, एंड दिस इज फ्रॉम इट्स स्किन। और ये एक प्रोमोग्रेनेट शीट मास्क है जो कि क्लीन एंड वाइटेलिटी के लिए काम आती है। उसी के साथ इसकी प्राइस 100 रुपीज़ है और इसका जो शेल्फ लाइफ है वो है 2 ईयर्स। जी हाँ, और इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी इसमें आती है वो आती है सीरम की 20 ml। ये एक शीट मास्क है। इससे पहले भी मैं बहुत सारे शीट मास्क का डेमो दे चुकी हूँ, उनके बारे में बता चुकी हूँ, और ये मैं फर्स्ट टाइम इस ब्रांड से ट्राई कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा ही लगेगा। सो चलिए मैं इसके बारे में डिटेल भी बताती हूँ आपको। और आपको इसे शीट मास्क को निकालना है और ये आपको इसे अपने फेस पर लगाना है, जो कि मैं आपको बताऊँगी कैसे लगाना है। और इसे रखना है 15 to 20 मिनट। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि द पल्प शीट इंक्लूड्स न्यूट्रिशन फ्रॉम फ्रेश एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, गिविंग इट्स ओन नरिशमेंट टू द स्किन एज वेल एज सॉल्विंग स्किन प्रॉब्लम। द फ्रेश मास्क प्रोमोग्रेनेट डिलीवर्स नेचुरल ग्लो एंड विटेलिटी टू डल स्किन। ये बेसिकली डल स्किन के लिए है। और फिलहाल विंटर्स स्टार्ट हो चुकी है और विंटर्स में मुझे स्किन को लेकर बहुत डलनेस का प्रॉब्लम रहता है, डलनेस, ड्राइनेस। सो मैंने इसे मंगवाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए। तो मैं इसे ओपन करती हूँ। यहाँ पे इस तरह से मार्क दिया होता है, यहाँ पे आप इसे यहाँ से इस तरह से ओपन कर सकते हैं और ये बहुत ही ईजिली ओपन हो जाती है। सो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ और मैं इसमें से निकालूंगी शीट मास्क। काफ़ी टाइम बाद शीट मास्क यूज़ कर रही हूँ, तो लेट्स सी। दिस इज द शीट मास्क। मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। साइज में तो ठीक ही लग रही है। सो दिस इज द शीट मास्क। इसे आप इस तरह से ही एडजस्ट करें, पहले आईज, माउथ और नोज एरिया को कवर कर लें। तो मैंने लगा ली है शीट मास्क और अब मैं आपको मिलती हूँ 15 से 20 मिनट बाद, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो हो चुके हैं पूरे 15 से 20 मिनट और ये शीट आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट लिटिल बिट ड्राई हुई है। एज सच इसका सीरम जो है वो स्किन में एब्जॉर्ब हो चुका है और मैं अब इस शीट को हटाऊंगी और थोड़ा सा 5 मिनट मसाज करेंगे और उसके बाद फिर मैं इसे वॉश कर सकती हूँ, या फिर आप एक्सेस कॉटन पैड से रिमूव करके और एज अ मॉइस्चराइजर अप्लाई करके भी आराम से नाइट रूटीन में सो सकते हैं, या फिर आप इसे रख सकते हैं 2-1-2 घंटे। तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो चलिए मैं इस शीट को हटा देती हूँ। सो यू कैन सी हियर, इट्स वेरी नाइस और स्किन को काफ़ी मॉइस्चराइज्ड किया है इसने। सो मेरा हो चुका है मसाज और मैं इसे थोड़ी देर रखूँगी, अप्रोक्स 5 से 10 मिनट, उसके बाद मैं इसे वॉश कर लूँगी। तो इसमें अभी भी थोड़ा बहुत सीरम है तो मुझे सेकेंड टाइम में काम आ जाएगा और मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी लॉक करके। और आप चाहे तो इसे अपने हैंड्स पे भी लगा सकते हैं या अपनी कोहनियों में लगा सकते हैं, और आप चाहे तो इसे रीयूज भी कर सकते हैं फ्रिज में रखने के बाद। सो सॉरी फॉर दिस नॉइस, बर्ड्स बोल रहे हैं पीछे, जो स्पेस है वहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे हैं तो वहाँ पर बैठते हैं।
सो उस वजह से आई होप आपको ये वीडियो, ये डेमो अच्छा लगा होगा. और अगर आप चाहें तो मेरी तरफ से तो मैं इसे बहुत हाईली सजेस्ट करूँगी ही, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा है. सो बिल्कुल इसने मेरी स्किन को एकदम ग्लोइंग बना दिया है, नरिश बना दिया है. सो बिल्कुल मैं इसे रीपर्चेस ज़रूर करना चाहूँगी. और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.